Good morning, everyone. Continuing with our chapter number 5, recording of business transaction. Next, जो हमारा टॉपिक है, that is discount. Discount का मतलब क्या होता है? Discount का मतलब है कि जब भी कोई आप गुड को परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो उस टाइम पर जब आप परचेज प्राइस जो डिसाइड हुआ है आपका, उससे कम अमाउंट आप रिसीव करते हो या पे करते हो एज पर कि आपने परचेज किया है या सेल किया है, तो जो रिड्यूस अमाउंट जितने से होता है, परचेज प्राइस जितने से रिड्यूस होता है और जो आप एक्चुअली पे कर रहे हो, उसमें डिफरेंस है. जैसे सपोज एक आइटम था, उसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 रुपये और आपने उसके लिए पे किया 850 रुपये, तो जो 1000 और 850 का जो डिफरेंस है, दैट इज 150 रुपीज़, उसे हम डिस्काउंट कहेंगे. अब डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है. कैसे? अगर आपने डिस्काउंट को रिसीव किया है तो आपके लिए इनकम है. रिसीव आप कब करेंगे? जब आपने कोई चीज़ परचेज की है. आपने कोई चीज़ परचेज की है तो आपने परचेज करते हुए कम अमाउंट पे किया, जितने से कम अमाउंट पे किया, दैट इज़ योर डिस्काउंट. सिमिलरली जब आपने अकाउंट जो अमाउंट था, आपने कोई जो आइटम थी उसे सेल किया तो आपको कम अमाउंट मिला, तो आपने डिस्काउंट को जो कम दिया, आपने जितने से कम आपको मिला, वो डिस्काउंट जो है वो आपका एक्सपेंस है. तो वहाँ पे आपने डिस्काउंट पे किया. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं या आप पे कर रहे हैं. पे करने का मतलब आप दे रहे हैं डिस्काउंट. तो जो सबसे पहला यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़, दैट इज़ डिस्काउंट को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आप देते हैं अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑन सेल्स. जैसे डिस्काउंट ऑन शूज़, डिस्काउंट ऑन क्लोथ्स, डिस्काउंट ऑन बुक्स एक्सेट्रा. ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ये इनवॉइस प्राइस से डिडक्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडर ने सेल की गुड्स 2,20,000 की एट 10% डिस्काउंट, तो इसकी एंट्री क्या होगी? आप 2,20,000 का 10% निकालेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को एंट्री में लिखा जाएगा. तो यहाँ पे कहीं भी डिस्काउंट जो है उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया है. एंट्री क्या बनी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो जितना आपका अमाउंट था 2,20,000, उसका 10% आपने माइनस किया और जो अमाउंट बचा, दैट इज़ 1,98,000 रुपीज़, इसको आपने यहाँ पर लिख दिया. तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. लेकिन जब आप नरेशन लिखेंगे तो नरेशन में उस चीज़ को आपने मेंशन करना है. जैसे यहाँ पे हमने किया है कि गुड सोल्ड लेस ट्रेड डिस्काउंट. नेक्स्ट जो हमारा टाइप है डिस्काउंट का, दैट इज़ कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो डेप्टर को देता है ट्रेडर. किस लिए दिया जाता है? क्योंकि वो अर्ली पेमेंट कर रहा है ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि जो पेमेंट है डेप्टर जल्दी कर दे आपको, इसीलिए आप उन्हें कैश डिस्काउंट देते हैं. ये सिर्फ तब दिया जाता है जब जो आपका कस्टमर है वो बैलेंस जो अमाउंट उसे पे करना है वो एक सर्टेन पीरियड के अंदर अंदर पे कर देता है. ये जो डिस्काउंट है, क्योंकि किस टाइम पे दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट. तो इसीलिए इस डिस्काउंट को हम जर्नलाइज करते हैं एट द टाइम ऑफ
पेमेंट, मतलब इसकी जो एंट्री है हम कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यहाँ पे जो डिस्काउंट अकाउंट है आपका, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, तो अगर आपने डिस्काउंट को अलाउ किया है वाइल रिसीविंग कैश, तो डिस्काउंट आपका एक्सपेंस हुआ तो डिस्काउंट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए लॉस हुआ। सेम तरीके से जब आपने डिस्काउंट को रिसीव किया हुआ एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैश, तो वहाँ पे आप डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट हुआ। तो इसकी एक ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। April 10, 2008 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्ण 29,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500 रुपीज। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं पहले। आपने रिसीव किया कैश 29,500 और डिस्काउंट अलाउ किया 500, तो टोटल ट्रांजेक्शन कितने की थी? 29,500 प्लस 500 30,000 की, जिसमें से 500 आपने डिस्काउंट दिया और कैश कितना रिसीव किया? 29,500। कौन कौन से अकाउंट जो है इससे इफेक्ट हो रहे हैं ट्रांजेक्शन के? कैश अकाउंट किससे रिसीव किया? कृष्ण से, और डिस्काउंट अलाउ किया 500। तो कैश आपका क्या है? रियल नेचर का है, और कैश आप रिसीव कर रहे हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 29,500 से। डिस्काउंट अलाउ आपने उसे किया तो डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड आपका क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, तो आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ 500 रुपीज़ से। और कृष्ण जो है वो क्या है? आपका पर्सनल अकाउंट है, और वो कौन है? गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, तो टू कृष्ण अकाउंट 30,000। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन हुई। नरेशन में आपने क्या लिखा? कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो क्या है? April 15, 2008 को पेड टू संजय 19,750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। तो एंट्री क्या बनी? संजय को आपने पे किया तो संजय रिसीवर हुआ, तो संजय अकाउंट डेबिट 20,000 से, और फुल सेटलमेंट उसको अमाउंट देना कितना था आपने? 20,000 की फुल सेटलमेंट आपने कर दी। कितना पे करके? 19,750। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ योर डिस्काउंट, और डिस्काउंट आपने रिसीव किया है तो वो आपका क्या हुआ? इनकम एंड गेंस के कॉलम में आ गया। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? कि जो भी आपको इनकम एंड गेन हुआ है दैट इज डिस्काउंट। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो इनकम्स एंड गेंस के अंडर आ गया, तो नॉमिनल जो अकाउंट का रूल है जर्नलाइजिंग का क्या कहता है? ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनी? संजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट 20,000, 19,750 and 250। और नरेशन में क्या लिखा जाएगा? कैश पेड टू संजय एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस क्या है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट में। सबसे पहले मीनिंग, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सेलर देता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स एट अ सर्टेन परसेंटेज टू द कस्टमर्स। और कैश डिस्काउंट कस्टमर को क्यों दिया जाता है? ताकि वो इमीडिएट या अर्ली पेमेंट कर दे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्या है? जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका पर्पस होता है सेलिंग को इंक्रीज करना, सेल्स को इंक्रीज करना, जबकि जो कैश डिस्काउंट है उसका पर्पस होता है इनकरेज करना अर्ली पेमेंट को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, जो कैश डिस्काउंट होता है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस। जो ट्रेड डिस्काउंट है उसे इनवॉइस अमाउंट से डिडक्ट किया जाता है, जो कैश डिस्काउंट है उसे इनवॉइस अमाउंट से डिडक्ट नहीं किया जाता है। अगर सपोज कोई क्वेश्चन है और उसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों गिवन है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी आपका अमाउंट गिवन होगा, जो भी आपका इनवॉइस अमाउंट गिवन होगा, उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका अमाउंट आएगा, बैलेंस अमाउंट जो आएगा, उस अमाउंट से आपका कैश डिस्काउंट डिडक्ट होगा। तो ये था हमारा डिस्काउंट का टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपाउंड एंट्रीज।
कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है? कई बार दो या दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन सेम डेट पर अकर हो रही हैं और उसमें कोई कॉमन अकाउंट भी इफेक्ट होता है, तो हम उन ट्रांजेक्शन को एक ही जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर देते हैं इंस्टेड ऑफ कि उन्हें हम सेपरेट सेपरेट एंट्री लिखें। तो जब हम दो एंट्रीज को कंबाइन करके लिख रहे हैं, दो ट्रांजेक्शन की एंट्रीज को हम कंबाइन करके लिख रहे हैं, तो उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन 30th June 2017, 18,000 rupees पेड फॉर इंश्योरेंस एंड 16,500 rupees पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो एंट्री क्या हुई? अगर हम इनकी अलग अलग एंट्री करते तो हम एंट्री क्या करते, इंश्योरेंस हमारा क्या है, एक्सपेंस है, कैश उसके लिए आपने पे किया। 16,500 हमारा क्या है, कैश आपने पे किया एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट हमारी क्या है, एक्सपेंस है। तो अगर इनकी अलग अलग एंट्री हम करते तो क्या करते, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,000 से इंश्योरेंस के लिए, एडवर्टाइजमेंट की करते तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,500 से अलग एंट्री करते हैं। कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं तो हमने उसे एक ही एंट्री में कंबाइन कर दिया, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,000, 16,500 एंड टोटल जो हो गया कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट होना था, 34,500 से। तो ब्रैकेट में आपने लिख दिया नरेशन में एक्सपेंसेस पेड इन कैश। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज किस किस सिचुएशन में आप रिकॉर्ड कर सकते हो? जहाँ पे आपका एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दो या दो से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, या जहाँ आपका एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, या जहाँ पे आपका दो या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा है या दो से ज़्यादा अकाउंट आपके क्रेडिट हो रहे हैं, जैसे कि ओपनिंग एंट्री, तो उसे हम कंपाउंड एंट्री कहेंगे। तो ये था हमारा कंपाउंड एंट्री का टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ गुड्स, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।